नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। किसान आंदोलन अभी तक थमा नहीं है। किसान अभी भी दिल्ली आने की अपनी जिद पर अड़े हैं और जल्द से जल्द सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। वो केंद्र सरकार से सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। हालांकि समस्या गंभीर है और सरकार सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे भी नहीं सकती, लेकिन किसान सरकार की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार की किसानों के विरोध को रोकने के लिए की जा रही कोशिशें काम नहीं आई, तो अब केंद्र सरकार के कई मंत्री भी अपना आपा खो बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं शक है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि यहाँ किसानों की आड़ में कोई और है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों का सहारा ले रहा है। तभी तो इस मुद्दे पर अब केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। पीयूष गोयल का कहना है कि अब यह आंदोलन ज्यादातर लेफ्टिस्ट और माओवादियों के हाथ में चला गया है। ये वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। अब पीयूष गोयल से किसानों की मांगों के अनुसार बिलों को वापस लेने की बात पूछी गई, तो इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल से देश के सभी किसानों को बेहद फायदा पहुंचने वाला है। कुछ थोड़े से लोगों के लिए पूरे देश के किसानों के फायदे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पीयूष गोयल ने कहा कि किसान बिल के किसी भी मसले पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार से आकर बातचीत करें, सरकार इसके लिए तैयार है। और फिर एमएसपी की बात पर पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों को पूरा आश्वासन दिया गया है कि एमएसपी को वापस नहीं लिया जाएगा, ये जारी रहेगी। पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि किसान देश हित में इस कानून को समझेंगे, इससे उन्हें तमाम तरह की बंदिशों से आजादी मिलेगी। उनकी फसल के दाम कहीं ज्यादा भी मिल रहे हैं तो वो वहां जाकर भी बेच सकते हैं। पीयूष गोयल ने दिन ब दिन किसानों के उग्र होते जा रहे प्रदर्शन को अब वामपंथियों की तरफ से चलाया जाने वाला एजेंडा करार दे दिया है। पीयूष गोयल काफी यकीन से कह रहे हैं कि ये वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। गोयल ने किसानों से अपील की है कि माओवादियों के बहकावे में ना आए और सरकार हर तरीके की बातचीत के लिए तैयार है। किसानों के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी लग रहा है कि आंदोलन करने वाले सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि किसानों के पीछे से वामपंथी और विपक्ष में बैठे लोग ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।